चलिए आज हम स्टडी सेंटर को कंफर्मेशन के लिए और आपका पीसीपी शेड्यूल हुआ है कि नहीं इस चीज़ को जानने के लिए आप खुद से रेफरेंस नंबर से कैसे चेक कर सकते हैं। कुछ दिन के पहले एक हमारी वीडियो लोड की गई थी, उसमें जो है रॉन्ग नंबर करके आ रही थी। आज जो वही को डाटा को जो है करेक्ट कर दी गई है। तो आइए देखते हैं कि कैसे इसको चेक करेंगे और इसमें क्या कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है। तो सबसे पहले आपको जो है dlet.nis.ac.in के साइट पर चले जाना है। उसके बाद सिंपली आपको जो यहाँ पर टीचर्स वाले हैं यहाँ पर क्लिक करना है। जैसे टीचर वाले पर क्लिक कीजिए, यहाँ पर आप देख रहे होंगे इस ऑप्शन पर क्लिक करना टू नो योर अलाटमेंट स्टडी सेंटर। तो जो भी आपका अलाटमेंट होगा वहाँ का आपको डिटेल यहाँ पर जानने के लिए यहाँ पर भरा जाता है। तो आइए यहाँ पर देखते हैं, एक रेफरेंस नंबर डालकर और चेक करते हैं कि वाकई में जो है आता है कि नहीं। क्योंकि इससे पहले जब हम लोग भर रहे थे तो वहाँ पर रॉन्ग नंबर करके आ रही थी। तो अब जो है अब देखना है कि यह जो करेक्ट मतलब बताई जा रही है या नहीं जा रही है, क्योंकि आज से जो है डाटा सबका चेक होना स्टार्ट हो गई है धीरे धीरे करके। तो आइए देखते हैं क्या। जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे होंगे पीछे में एक जो है PDF फाइल है, इसमें PDF में सारे जो है स्टूडेंट का यहाँ पर रेफरेंस नंबर दिया गया। कोई भी आप रेफरेंस नंबर को उठा लीजिए यहाँ से यदि आप चेक करना चाहते हैं तो। यदि आपके पास खुद का रेफरेंस नंबर है तो खुद का अपना रेफरेंस नंबर यहाँ पर आप डाल सकते हैं। तो जैसे कि मान लेते हैं यहाँ पर जो है यहाँ से मान लेते इस कैंडिडेट का, ठीक है, जैसे इस कैंडिडेट का रेफरेंस नंबर चेक करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे यह जो रेफरेंस नंबर जो है इस कैंडिडेट का है, इस कैंडिडेट का हमको चेक करना चाहते हैं। तो हम देखना चाहते हैं कि इसका जो है आया है कि नहीं आया, स्टडी सेंटर अलॉटमेंट हुआ है कि नहीं। तो आइए देखते हैं उसका रेफरेंस नंबर हम लोग प्लेस करते हैं और देखते हैं कि उसका रजिस्ट्रेशन नंबर जो है उसका रेफरेंस नंबर आया है या नहीं। जैसे कि जो भी चीज़ था हम लोग यहाँ पर जो है प्लेस कर दे रहे हैं, जो भी वहाँ पर था यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे F140422402301। तो इसको जो है डाटा को सब डाल देते हैं। जैसे हम लोग यहाँ पर सबमिट का बटन को प्रेस करते हैं, तो जैसे सबमिट का बटन को प्रेस किया यहाँ पर आप देख रहे होंगे उनका जो है नाम, उनका इनरोलमेंट नंबर, उनका पिताजी का नाम, उनका मदर्स नेम, उनका स्टडी सेंटर कोड देख पा रहे होंगे, उनका स्टडी सेंटर का कोड और उनका स्टडी सेंटर का एड्रेस भी यहाँ पर पूरा कंप्लीट रूप से आ गया। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कोऑर्डिनेटर का मोबाइल नंबर है और कोऑर्डिनेटर का ईमेल एड्रेस भी कम्प्लीट रूप से आ गया। तो यानी कि यहाँ से हम लोग पता चल रहा है कि स्टडी सेंटर जो है लेकर जो कोऑर्डिनेटर और चेयरमैन काफ़ी गंभीर थे। तो सबका जो है धीरे धीरे करके जो है स्टडी सेंटर भी अलाटमेंट करते जा रहे। यदि आप नहीं हुआ है आपका तो आप अपना जो है चेक कर सकते हैं, आप खुद का जो है डालकर अपना रेफरेंस नंबर डालकर आप जो इस वेबसाइट पर जाकर अपना जो चेक कर सकते हैं कि आपका लिए कोई अलाटमेंट हुआ है या नहीं हुआ है। तो उसके बाद जो है आपका यहाँ पर एक पीसीपी जो है शेड्यूल करके आपको दिया जाए कि आपका कब कब क्लास होगा। तो यहाँ पर जैसे हम लोग सिंपली क्लिक करते तो यहाँ पर देखते हैं कि इस पर्सन का जो यह जो कैंडिडेट है यह कैंडिडेट का जो है वाकई में अभी तक हुआ है या नहीं हुआ है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, तो यहाँ पर देखने से यही पता चला लॉगिन डेट और टाइम जो स्टडी सेंटर जो है इतना दिया गया है। यहाँ पर जो है आपका कोऑर्डिनेटर का जो यहाँ पर नाम दिया गया है और यहाँ पर लिखा हुआ डाटा जो है नो रिकॉर्ड फाउंड। यानी कि अभी तक जो पीसीपी को लेकर जो अभी शेड्यूल नहीं की गई है, यानी कि सिर्फ अभी स्टडी सेंटर इस कैंडिडेट का कन्फर्मेशन हो गया है। तो आप यदि अपना स्टडी सेंटर को कन्फर्मेशन करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर सिंपली जो है आपको भी चेक करना चाहते हैं अपना, तो यहाँ पर सिंपली इस वेबसाइट पर आप चले जाइएगा। यहाँ पर आने के बाद क्या होगा, यहाँ पर क्लिक कीजिएगा। यहाँ पर क्लिक करने के बाद सिंपली जो अपना रेफरेंस नंबर इंटर करके सबमिट कर दीजिए और अपना पीसीपी और अपना कंप्लीट एड्रेस भी आप चेक कर सकते हैं कि आपका वाकई में है स्टडी सेंटर कहाँ। क्योंकि यह जो कन्फर्मेशन 100% कन्फर्म है कि आपका इसी में ही आपका शेड्यूल हो गया, अब आपको कहीं जाने का जरूरत नहीं है, इसी जगह जो है इसी जगह आपको मिल जाएगा यही स्टडी सेंटर कोड पर। तो यहाँ पर देख पा रहे होंगे यहाँ पर जो है पूरा जो यहाँ पर डाटा जो है भरा हुआ है, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये जो है NIS के वेबसाइट से निकालने डाउनलोड करके यहाँ पर हर कैंडिडेट का यहाँ पर दिया गया। यदि आप किसी दूसरा भी कैंडिडेट का चेक करना चाहते हैं तो सबका लगभग आ चुके। यदि फिर भी अगर आपको NIS से रिलेटेड किसी भी प्रकार कोई प्रॉब्लम है स्टडी सेंटर को लेकर, यदि आपको रॉन्ग नंबर बता रहा है तो हमें जो है कमेंट करके बताएं, हम आपको हेल्प करेंगे आपको क्या क्या करना पड़ेगा, उनके लिए अलग से वीडियो बनाएंगे। यदि आपका ज़्यादा कमेंट आए, ज़्यादा लाइक्स मिला, ज़्यादा शेयर मिला तो आपको हम बताएंगे कि आपको जो है क्या करना है। यदि अभी भी आपका रॉन्ग नंबर बता रहा है तो आपको अगला स्टेप क्या करना है कि ताकि
आपका भी उस तरह से करके डाटा यहाँ पर जो है दिखाया आपका पढ़ने लगे। आई होप आपने आपको जो है यह वीडियो पसंद लगा होगा। यदि पसंद लगा तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और यदि आप हमारे चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब बटन को एक बार जरूर दबा दें। उसके साथ साथ बेल का आइकन भी जरूर दबा दें ताकि सबसे पहले हमारा वीडियो आप तक पहुँचेगा। तो आई होप आपने बेल का बटन भी दबा दिए होंगे, सब्सक्राइब का बटन भी, और एक लाइक का भी बटन दबा दे, और थैंक्स लेकर एक कमेंट भी कर दिए होंगे। और हमारा आपने वीडियो को देखा, अपना समय, कीमती समय को हमने दिया, इसके लिए आप सभी को हम हाथ जोड़कर धन्यवाद करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। किसी भी प्रकार का कोई प्रॉब्लम हो स्टडी सेंटर को लेकर या किसी भी समस्या, तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो फिर मिलते एक नई कोई वीडियो के साथ।